गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज की स्टोरी है माँ पड़ी सर्दी में बेटा बहु रजाई में। दोस्तों एक ऐसा बेटा जिसको पालने में माँ ने कोई कमी ना छोड़ी, पिता के ना रहते हो, बेटे ने माँ के साथ क्या किया, फिर बहू ने कैसे सबक सिखाया, जाने स्टोरी के अंदर। इसी शहर में एक रमेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था, दोनों अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। एक बार की बात है, रमेश की माँ ने रमेश को बोलती है, बेटा तू मेरी सेवा हमेशा इसी तरीके से करता रहेगा जैसे आज कर रहा है। तो रमेश बोला, माँ कैसी बातें करती हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा, पूरे जीवन भर आपने मुझे बहुत ही मुश्किलों से पाला पोसा है। पिताजी की मौत के बाद तब मैं बहुत ही छोटा था और आपने लोगों के घर में बर्तन धोकर मुझको पढ़ाया लिखाया और आज मैं आपके आशीर्वाद से सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। रमेश की यह बात सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए और वह खुशी से मुस्कुरा गई और बोली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। धीरे धीरे समय बीत गया और एक दिन रमेश के लिए शादी का रिश्ता आया। लड़की भी सरकारी नौकरी करती थी। रमेश की माँ ने रमेश से पूछा, बेटा तुझे लड़की कैसी लगी फोटो में। रमेश बोला, माँ तुम जो बोलोगी वही होगा। और रमेश की माँ ने लड़की वालों को शादी के लिए हाँ कर दिया। ठीक 3 महीने के बाद रमेश की शादी हो गई। अब घर में 2 सदस्य से 3 सदस्य हो गए। रमेश का विवाहित जीवन बहुत ही अच्छा गुजरने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद रमेश के व्यवहार में अचानक से बदलाव आने लगा। वह अपनी माँ से कटा कटा रहता। जब भी उसकी माँ उसको किसी बात के लिए समझाती तो वह फट से जवाब दे देता कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे आपसे ज्यादा समझ है। यह सुनते ही उसकी माँ अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और सोचती है कि शादी से पहले मेरा बेटा ठीक था, बहू क्या लाई, मेरा बेटा तो मुझसे दूर हो गया। और दिन धीरे धीरे इसी तरह बीतने लगे। कुछ समय के बाद सर्दियों का मौसम आ गया और सर्दियां इतनी ज़्यादा थी कि 2-2 रजाई लेने के बाद भी ठंड नहीं जा रही थी। उधर रमेश और उसकी पत्नी अपने कमरे में रजाई और कमरे में हीटर लगाकर आराम से सो रहे थे। इधर रमेश की माँ एक चादर में अपने कमरे में सिसक सिसक के सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी और वह ठंड से बहुत तेजी से कांप रही थी। उधर रमेश की पत्नी बोली, मैं माँ जी को देखकर आ रही हूँ। रमेश बोला, सो गई होगी बुढ़िया, मत जाओ, बातें सुनाने लगेगी। इसी पर रमेश की पत्नी बोली, मैं देखकर आऊंगी। और जैसे ही रमेश की पत्नी सास के कमरे में जाती है, नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बोली, माँ जी आपकी रजाई कहाँ है। तो सास बोली, तू जा इधर से, तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। वह बोली, माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वह भागकर अपने रूम में आई और रमेश को बोलने लगी, माँ जी की हालत जाकर देखो, उनके कमरे में वह एक चादर में सो रही हैं। तो रमेश बोला, मैं क्या करूँ इस पर। तभी रमेश की पत्नी बोली, तुमको पता होना चाहिए, तुम जो आज हो अपनी माँ की बदौलत हो, उन्होंने लोगों के बर्तन धोकर आपको रात दिन पढ़ाया लिखाया और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, खुद ठंड में चादर में सोती रही और आपको गर्म कपड़े रजाई में सुलाया, और याद करो वो दिन, और तुम्हें कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, और आप मेरे साथ माँ के रूम में चलो, माफ़ी मांगो और उनको अपने रूम में लेके आओ। रमेश और उसकी पत्नी माँ के रूम में गए और रमेश को अपनी पत्नी की बातों से अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भाग कर अपनी माँ से लिपट गया, बोला, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने वह दिन भूल गया था और मेरे अंदर घमंड आ गया था। तभी उसकी माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, तुमने माफ़ी मांग ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। रमेश बोला, माँ अपनी बहू को प्यार करो जिसने मेरी आंखें खोली हैं। सास ने बहू को प्यार से गले लगाया और बोली, बेटी मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी, आज से तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी की तरह रहेगी। बहू मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ जी। दोस्तों आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की कहानी से सीख, हमें अपने माता पिता के उन दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए जब उन्होंने अपने सपने मार कर और अपना पेट काट काट कर हमें पाला पोसा और बड़ा किया होता है। और साथ में हर बहू गलत नहीं होती, कुछ जगह बेटे भी गलत होते हैं, इसलिए हमें बेटी और बहू में कभी अंतर नहीं करना चाहिए, यही जीवन की खुशियों का आधार है।
दोस्तों अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना, जिससे मेरा हौसला बढ़े, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी ला सकूँ। आपका दिन शुभ रहे।